चैती छठ पूजा भारतीय संस्कृति के सबसे पवित्र और शुद्धता से भरे महापर्वों में से एक है। यह पर्व न सिर्फ आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सच्ची शुद्धता और पवित्रता की ओर ले जाता है। 12 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलने वाली यह 4 दिवसीय महापर्व नहाय खाय के साथ आरंभ होता है, जिसके प्रत्येक चरण में अनुशासन और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। पटना के प्रसिद्ध ज्योतिषविद डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी के अनुसार इस पर्व को केवल तभी मनाया जाना चाहिए जब व्यक्ति इसके सभी नियमों और अनुशासन की पूरी तरह से पालन कर सके। छोटी से छोटी गलती भी छठी मैया को नाराज कर सकती है, जिसके नकारात्मक प्रभाव से जीवन में विघ्न आ सकते हैं। इसमें यह 4 दिवसीय होता है, तो जब से नहाय खाय की शुरुआत होती है, इसमें उस जो महिला छठ करनी है उनको शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान स्वच्छता और पवित्रता का विशेष महत्व होता है। शरीर और मन दोनों पवित्र रखना जरूरी है। स्नान के बाद ही प्रसाद और भोजन तैयार करना चाहिए और नमक लहसुन प्याज के सेवन से बचना चाहिए। प्रसाद तैयार करते समय गुड़ का उपयोग करें और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। मन में उच्च और शुद्ध विचार रखें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद कुल्ला करें। कोई भी व्यक्ति को या कोई भी और परिवार के सदस्य हो, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। ऐसा कहा जाता है कि माँ जो है, जो छठ व्रती हैं, उनमें प्रवेश करती हैं और उन्हें बड़ा पवित्र माना जाता है। या इससे संबंधित जो भी पूजा पाठ, जैसे ठेकुआ है, गागल है, सुथनी है, जितने चीज चढ़ाए जाते हैं, वो बिल्कुल शुद्धता के साथ होने चाहिए। उसमें कोई कीड़ा या कोई फटा हुआ चीज़ ऐसा नहीं होनी चाहिए, और गुड़ से बना हुआ, चूँकि गुड़ में बहुत फास्फोरस है, तो गुड़ ग्रहण करने से भी सूर्य बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इसी से गुड़ से संबंधित भी प्रसाद बनाए जाते हैं। ये दिशा निर्देश न सिर्फ छठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए है, बल्कि एक स्वस्थ और पवित्र जीवन शैली को अपनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पर्व के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को और अपने परिवार को एक अधिक पवित्र और शुद्ध जीवन की ओर ले जाता है। अष्टी स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है या सूर्य के मंत्रों का जप किया जा सकता है। ओम घृण सूर्याय पढ़ सकते हैं, ओम देखक ख्याम सूर्याय पढ़ सकते हैं, सूर्य कवच का पाठ कर सकते हैं, सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य स्तवराज का पाठ करते हैं। मंत्र है ओम विकर्तना विवस्वांसह मारतंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशक श्री माँ लोक चक्षुर ग्रहेश्वर, इसका पाठ करें, या सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप करें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मृत्युंच हिरण्येन सविता रथेन दिवो याति भुवनानि पश्यन्न ओम घृणेश्वर्याय नमः, इस मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, या सूर्य का ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं श सूर्याय नमः। जो मंत्र सुलभ हो, सर्वसुलभ हो, जिसे का प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से कर सकते हैं, वो पढ़ें। सूर्य की कृपा। लोकल 18 पटना से सच्चिदानंद की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।